नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कल हमको देखने को मिले दो रिजल्ट, रेगुलर विद्यार्थियों के और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के। अभी तक जिन विद्यार्थियों को यह नहीं पता कि भाई फर्स्ट ईयर नॉन का रिजल्ट आ गया या फिर रेगुलर सेकेंड सेमेस्टर का बीए वालों का रिजल्ट आ गया, तो अभी तक वो अपडेट नहीं है चीजों को लेकर या फिर खुद की लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, वो उनकी गलती है। ठीक है, 24 घंटे हो चुके हैं रिजल्ट आए, और जब रिजल्ट आ गया है तो सवाल बने हुए हैं पास फेल बैक को लेकर। हालांकि दोनों पर एक वीडियो डाला हुआ है, बीए सेकंड सेमेस्टर रेगुलर का रिजल्ट आया राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उस पर भी वीडियो कल सुबह अपलोड कर दिया था, उसमें जो भी पास फेल बैक से रिलेटेड जानकारी थी अपलोड कर दी है। दूसरा, बात करें फर्स्ट ईयर नॉन का रिजल्ट अपने को देखने को मिला, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम तीनों के रिजल्ट देखने को मिले भैया, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कमाइंड एग्जाम हुए थे, तो कमाइंड ही आपका रिजल्ट देखने को मिला, यानी दोनों का एक साथ रिजल्ट आपका यहां पर देखने को मिला। अब कुछ विद्यार्थी जिनको रिजल्ट देखने को मिल रहा है खुद का, वो पास फेल बैक का अंदाजा लगा लिया क्योंकि उनके लिए वीडियो डाल दिया था। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की, जब तक मैंने वीडियो बनाया था तब तक किसी भी विद्यार्थी की मेरे पास ऐसी मार्कशीट नहीं पहुंची थी जिसके सब्जेक्ट शो ना हो रहे हो या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम हो, जिसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा हो, या फिर बात करूं उसके कुछ नहीं दिखा रहा हो, एक पेज सा खुल गया उसमें बस क्रेडिट दिखा हुआ है, ऊपर कुछ रोल नंबर लिखे हुए हैं, बाकी चीजें खाली हैं, ऐसे बहुत सी चीजें थी जो कि देखने को मिल रही हैं। इन सभी चीजों को लेकर आज मैं यहां पर बताने वाला हूं। सारे सवाल लिख लिए गए, काफी विद्यार्थी पास फेल बैक पासिंग मार्क्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसके बारे में बात करेंगे। एबीसी आईडी, एनरोलमेंट नंबर, पासिंग मार्क्स, रिवेल रिजल्ट, सब्जेक्ट इशू क्या है, पास फेल बैक क्या है, रेगुलर नॉन कॉलेज, दोनों को शामिल कर लिया, इनसे रिलेटेड बातें हम करने वाले हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो, मेरे पास एक चीज आपको बता देता हूँ भैया, वीडियो यहाँ पर लंबे जरूर एक मतलब कि कहूं कि काफी साइज में है, मतलब कि वीडियो लंबा मिलता है देखने को, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखें आप, सारी जानकारी प्रयास रहता है कि इसी वीडियो में उपलब्ध करवा दी जाए, जिससे बार बार सवाल आप ना करें। जो रिजल्ट में पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया उसको मैं यहाँ पर शामिल कर लिया हूँ, सारी चीजें बताऊंगा किस हिसाब से आपको प्रोसेस करना है, और मार्कशीट भी आपको लगभग यहाँ पर मैं 15-20 मार्कशीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो समझाने वाला हूँ। जितने भी सवाल हैं, बैक प्रमोटेड, पास प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड वगैरह, और बात करें जिसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा हो, ठीक, इन सभी पे बात हम यहाँ पे करेंगे। सभी मार्कशीट को मैं बहुत अच्छे डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, बस वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक बार वो इस देख लेना भाई, ठीक है क्या? ओके ओके, बीए बीएससी बीकॉम बात करिए तो नॉन कॉलेज का तीनों का आ गया, लेकिन बात करें इधर रेगुलर का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया। ठीक है भैया, बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, इन यहाँ पे कोई इशू ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा इशू आ रहा है नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के सब्जेक्ट वाला, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट जैसे ही अपडेट होगा तब आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जो सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे केवल उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मान लो कि बैक प्रमोटेड दिखा दिया लेकिन सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा बात करेंगे कि वे विद्यार्थी जिनका कुछ भी शो नहीं हो रहा, यानी बैक प्रमोटेड भी नहीं लिखा है, नोट प्रमोटेड भी नहीं लिखा है, पास प्रमोटेड भी नहीं लिखा, तो उनको क्या करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले इन चीजों पर चल लेता हूं। देखो ठीक है भैया, रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज जिसका सब्जेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, एक दो दिन में अपडेट आ जाएगा तब देखने को मिल जाएंगे, उसके लिए खास ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना एबीसी आईडी आपके अपडेट है क्या, रिजल्ट में सारी चीजें अपडेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही वेबसाइट पे जो सर्वर प्रॉब्लम है वो सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी, आपको सही तरीके से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें ये वाली जो समस्या है एबीसी आईडी और एनरोलमेंट नंबर की, ये थोड़ी सी दिक्कत करेगी नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को। मार्कशीट समझा देता हूँ कि कैसी मार्कशीट आपको दिख रही होगी, ना देख लेता हूँ एक बार कोई मार्कशीट है क्या। ये रहा नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के, ना तो बैक प्रमोटेड लिख रहा, ना पास प्रमोटेड लिख रहा, ना और कुछ लिख रहा है यहाँ पर, नॉट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा। लिखा है तो क्या लिखा है भैया, एनरोलमेंट नंबर में जीरो, ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, एबीसी आईडी खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इस वजह से आपका रिजल्ट रुक गया भैया, ये ध्यान रखे आप। अब क्या करना है, पहले तो डिजी लॉकर में जाके एबीसी आईडी अपडेट करो, जहां से आपने एबीसी आईडी बनाई थी डिजी लॉकर ऐप से, वहां से एबीसी आईडी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। देखो जिसके दिख रहा है ना वो ऐसी एबीसी आईडी सबकी अलग अलग आती है, वो सारी चीजें वहां पर अपडेट होकर दिखा देगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसकी वजह से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। देखो दो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी यहां पर, एनरोलमेंट नंबर का इश्यू जो रहता है वह आरबीएससी और सीबीएसई, इन दोनों के काफी विद्यार्थियों के देखने को मिलता है। सीबीएसई के अगर एनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड समस्या आती है तो उसको क्या करना होता है भी, क्योंकि आप ट्वेल्थ अन्य बोर्ड से किए थे तो आपको राजस्थान से यूनिवर्सिटी से आप करेंगे कोई भी कोर्स तो आपको माइग्रेशन देना होता है,
लेकिन बात करें आरबीएससी वालों के भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है, तो उसमें क्या है, कुछ तो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट हो जाता है, कुछ मित्र का फॉर्म भरने वाले का फॉल्ट हो जाता है। जब फॉर्म हम भरते हैं तो एनरोलमेंट नंबर जो रिकॉर्ड में फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, वो यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म का यहाँ पर डाटा सही से नहीं चढ़ा है, इस कारण से रिजल्ट की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए रिजल्ट रुक जाता है। देखो दोनों के बारे में बताऊंगा, अगर आप आरबीएससी से ट्वेल्थ किए हैं तो भी क्या करना है, अपने को रेगुलर विद्यार्थी है तो अपने कॉलेज में चले जाना, ठीक है। नॉन कॉलेज विद्यार्थी है तो भैया सीधे यूनिवर्सिटी चले जाना, आपका रिजल्ट 10वीं मार्क 12वीं की मार्कशीट ले जाना, अपडेट हो गया आपको दिखा देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे यूनिवर्सिटी में रूम कौन सा है यार, अभी तो देखो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एडम ब्लॉक है, एंट्री करते ही राइट साइड में जो पहली बिल्डिंग आएगी उसी में जाना है, ठीक है, वहां पे सारे आपके इस रिजल्ट से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। दूसरा बात करें सीबीएसई वालों की बात करते हैं, देखो रेगुलर और नॉन कॉलेज में दो अलग अलग चीजें हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जो फर्स्ट ईयर में यहां पर रेगुलर वाला विद्यार्थी है पहले कॉलेज जाएगा, एनरोलमेंट में क्या करना होता है, एक एनरोलमेंट फॉर्म होता है, कॉलेज से आप उसको सील लगाएंगे, रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है, उसको लेके और फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी, जिसके एनरोलमेंट में प्रॉब्लम हो, सीबीएसई वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, और आरबीएससी वाले विद्यार्थी रेगुलर है तो सीधे कॉलेज जाएं पहले, ठीक है, वहां से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी जितना मुझे लगता है, क्योंकि हर बार ऐसी ही सोल्व होती है प्रॉब्लम रेगुलर वालों विद्यार्थियों की तो कॉलेज के थ्रू, लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को कॉलेज से कोई मतलब नहीं होता, उनको जाता है यूनिवर्सिटी, चाहे आप सीबीएसई हो चाहे आरबीएससी हो, ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अगर सीबीएसई है तो भैया माइग्रेशन चाहिएगा, ठीक है, और टेंथ और ट्वेल्थ चाहिए, एक होता है एनरोलमेंट फॉर्म, ये जो एनरोलमेंट फॉर्म का पीडीएफ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, पीडीएफ प्रिंट आपको दे दूंगा यहां पर, नहीं तो यूनिवर्सिटी के जो बाहर मित्र है वहां से निकलवा लेना, वहां से भर के तुरंत जमा करवा देना, ये नॉन कॉलेज वालों के लिए मैंने बताया, ठीक है। अगर आप सीबीएसई से रहे हैं ट्वेल्थ रेगुलर है तो भी भैया आपको पहले कॉलेज जाना पड़ेगा। देखो दो चीजें मैं आपको अलग से समझाता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे अपना, देखो रेगुलर इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से, रेगुलर वाले विद्यार्थी जिसके रिजल्ट में प्रॉब्लम हो उस विद्यार्थी को क्या करना है भैया, अगर सीबीएसई अगर आपका तो आपको माइग्रेशन चाहिए और टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए, पहले जाएंगे आप कहाँ, रेगुलर है तो कॉलेज, ठीक है, वहां से प्रॉब्लम सोल्व आपका हो जाएगा। अगर आपने कॉलेज में पहले जमा नहीं करवाया है तो फिर आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे कि मैंने तो कॉलेज को पहले ही जमा करवा दिया था फिर भी मेरे रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया कॉलेज को आप बोलो कि भैया आपका डाटा कॉलेज पहुंचा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचा है, नहीं पहुंचा रहे हैं खुद तो आप खुद जाके यहाँ पे सारी चीजें दे आना, रिजल्ट आपका वहां पर दिखा देंगे, ठीक है। ये बात होगी रिलेटेड। बात करें नॉन कॉलेज वालों की, देखो सीबीएसई और आरबीएससी ये कौन सी चीजों में आएगा, अगर आप ट्वेल्थ में आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड से थे, सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से थे, देखो दो चीजें हैं, सीबीएसई वालों के लिए आपका यहां पर माइग्रेशन आएगा एक तो वही टेंथ ट्वेल्थ, नॉन कॉलेज की बात हो रही है, कहीं कॉलेज नहीं जाना सीधे यूनिवर्सिटी चले जाना, तीनों चीजें लेके, ठीक है। माइग्रेशन ओरिजिनल जमा होता है, टेंथ ट्वेल्थ की फोटोकॉपी लगेगी, सीधे यूनिवर्सिटी जाएंगे, एनरोलमेंट फॉर्म जो आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी के बाहर से मिल जाएगा उसको भर के जमा करवा देना, पीडीएफ में डाल दूंगा, वो भी नॉन कॉलेज का होता है, आपको किसी कॉलेज में साइन इन करवाने की आवश्यकता नहीं, रेगुलर वालों को एनरोलमेंट फॉर्म पे साइन करवाने होते हैं, वो ले जाना होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। बात करें आरबीएससी वालों को, केवल और टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए, जिसके रिजल्ट में वो इश्यू आ रहा था ना, अभी बता रहा था मैं कि ये देखो ये वाला इशू है ना, ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें नोट प्रमोटेड बैक प्रमोटेड ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके 52 क्रेडिट आ रहा है, देखो टोटल में से 52 क्रेडिट आ रहा है इसका, यानी पास है ये, लेकिन इसका एनरोलमेंट नंबर और एबीसी आईडी के कारण ये है फंसा हुआ है रिजल्ट में, इसको पता नहीं चल रहा है कि पास है फेल है बैक है क्या है, तो वो सारी चीजें हैं वो इस प्रोसेस के तहत सोल्व होंगी। अगर नॉन कॉलेज हो तो भैया आरबीएससी से हो तो टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट आपको यूनिवर्सिटी ले जानी पड़ेगी, और सीबीएसई से हो तो माइग्रेशन टेंथ ट्वेल्थ और एनरोलमेंट फॉर्म ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। एनरोलमेंट फॉर्म नॉर्मल होता है भैया, एक पेज को होता है, उस पर अपनी डिटेल्स भरनी है, मैं ये हूं, पापा मम्मी का नाम और आपने लास्ट क्लास कहां से की थी, उस बोर्ड का नाम एड्रेस वगैरह, और साइन कर देना खुद के और सीधे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके दे देना वहां पर एडम ब्लॉक में, एंट्री करते ही राइट साइड में लेफ्ट राइट साइड में पहली बिल्डिंग जो आएगी उसमें आपको जमा करवाना है, ठीक है। रूम आकर पूछ लेना, काफी मिल जाएंगे, ठीक है। ये चेंज करते रहते हैं ना, कभी प्रेशर हो जाता है ना, वर्कलोड होता है, तो ये रूम इधर उधर शिफ्ट करते हैं, इसलिए मैं परफेक्ट रूम आपको नहीं बता सकता कौन सा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा 116 वगैरह में काम होता है, 116 126 में ना, फिर भी देख लेंगे। तो रेगुलर की बात हो गई, ये जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है इसमें, ये सब्जेक्ट वाइज वाली समस्या तो भैया अपने आप हो जाएगी सोल्व, इसको कहीं पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है इसका ना, अपने आप आ जाएगी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है ऐप पर, ध्यान रखें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, इस वजह से ऐसा हो रहा है, चल जाएगा थोड़ी देर में ना, ठीक है।
ये बात हुई सीट, एबीसीआईडी पे पहुंच गए, एनरोलमेंट वाली समस्या हो गई। जिस विद्यार्थी का केवल एबीसीआईडी का प्रॉब्लम हो, डिजी लॉकर ऐप से अपलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एबीसीआईडी भी ले जा सकते हैं भैया, है ना, जिसके एबीसीआईडी का फोटो प्रॉब्लम हो एबीसीआईडी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब बात करते हैं एक नई चीज पे, बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है। देखो भैया, एक चीज बता दूं आपको कि रेगुलर वाले विद्यार्थियों को भी और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को मैंने एक चीज बताई थी, 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे पर पेपर का पासिंग मार्क्स यहां होता है। पर पेपर का पासिंग मार्क्स क्या होता है, 40% नंबर उसमें लाने पड़ेंगे। अब रेगुलर वालों का पेपर की बात करें, ज्योग्राफी का पेपर की बात करें, मान लो कि 80 नंबर का पेपर हुआ, उसका 40% कितना हो गया, 32। ठीक है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है वह पेपर कितने का था, 120 का। मान लो कि पॉलिटिकल पेपर हो गया भाई बीए में, तो 120 का था, 120 का अपन एक तरीके से कहें रेगुलर की बात कर रहा हूं, 120 का 40% निकालो, 48 नंबर होता है। 48 नंबर अगर आपका आ रहा है तो भैया आप वहां पर पेपर आपका पास है, ये चीज आप ध्यान रखें। स्टार जहां पर लगा हुआ है ना वो चीजें समझो, उसका 40% निकालो, टोटल नंबर या पेपर कितने का था, रेगुलर का समझो और नॉन कॉलेज का समझो। अलग अलग से वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं इसलिए आज समस्याएं इतनी देखने को मिल रही हैं। उस समय आपने बहुत वीडियो को इग्नोर किया है, वो सारी चीजें आज निकल के आ रही हैं सामने कि आपको रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, पासिंग मार्क्स क्या है, वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखा करें वीडियो, इन्फॉर्मेशन के साथ ही आता हूं यार, ऐसे फालतू वीडियो तो मेरे को बनाने की आदत भी नहीं है ना। बात करें नॉन कॉलेज पे, बात करते हैं नॉन कॉलेज के पासिंग मार्क्स, वही 40% नंबर चाहिए। लेकिन मैंने बताया था कि नॉन कॉलेज में मिड टर्म नहीं लगता है, इसलिए पेपर जो आएगा पूरे नंबर का आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। सपोज दैट मैंने कहा ज्योग्राफी का रेगुलर विद्यार्थियों कितना का आता है भैया पेपर, 80 नंबर का, लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का पेपर 100 का हो जाता है, क्योंकि इसमें मिड टर्म नहीं लगता, उसके 20 नंबर वहां पे ऐड ही नहीं होंगे, वो सीधे पेपर में आता है कि हाँ ज्योग्राफी का पेपर 100 नंबर का आया था, पॉलिटिकल का पेपर 150 का 150 का आया था, क्योंकि उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, 150 नंबर का होता है। बात करें हिस्ट्री का, 150 का पेपर आया था। बात करें सोशियोलॉजी का, 150 का पेपर आया था। 40% निकालो, 60 नंबर हो गया, यानी वह जो पेपर है वो 60 नंबर लाने पर पास होगा। ठीक है, ये बातें हो गई उस पेपर के पासिंग मार्क्स से, पर्टिकुलर एक पेपर के पासिंग मार्क्स से। बात करें हिंदी इंग्लिश, जो पेपर का पूरा नंबर था उसका 40% आपको निकालना है। बात करें अन्य जो पेपर है, वैल्यू एडेड स्किल वाले 40-40 नंबर के पेपर थे रेगुलर वालों के, 50 के क्या नाम है नॉन वालों के थे, तो 50 का 40% कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। ठीक है, बात बहुत अच्छे से समझ में आई यहां तक, थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखा करें। रिवेल की बात करें, देखो रिवेल पे बात करते हैं। अब जो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है, सपोज दैट जिनको लगता है कि मेरा रिजल्ट यहां पर, एक बार वही चेक करना यार, जो विद्यार्थी कहते हैं कि भैया मेरा रिजल्ट जो है मुझे लगता है, थोड़ा टूट गया बीच में, रिवेल की बात करें, सपोज दैट रेगुलर वाला विद्यार्थी यह कह रहा है कि भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिवेल लगा था तो सेकंड का भी लगेगा, जल्दी आपको यूजर आईडी पासवर्ड पर अपडेट आ जाएगा, लॉगिन करेंगे जब वहां पर, सूचना मैं भी दे दूंगा, ठीक है, जब फॉरम आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक, ये बात होगी इससे रिलेटेड कि भाई रिवेल का फॉरम आएगा, जो भी संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से वो फॉरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आसानी से आप फॉर्म लगाएंगे, अगर आपको उम्मीद हो कि भाई आपके नंबर बढ़ने चाहिए थे, आपके कम नंबर मिले हैं, तो आप लगा सकते हैं। ठीक वही बात करें, जब रेगुलर का रिवेल का फॉर्म लग रहा है तो नॉन कॉलेज का फॉर्म आएगा भैया रिवेल का, तो रिवेल में क्या होता है, आपको लगता है कि इस पेपर में मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए थे और दिए कम है, इसमें कॉपी चेक होती है लेकिन आपको देखने को नहीं मिलती, ये चीज आप ध्यान रखें, यानी कि आपको नहीं पता चले कॉपी चेक हुई नहीं हुई, आपको तो केवल ईमित्र पे जाके ऑनलाइन आपको भरना होता है कि हाँ मैं इस पेपर में रिवेल लगाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इस पेपर में मेरे नंबर कम आए हैं, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 430 रुपए रिवेल की एक पेपर की फीस होती है, वो जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा अलग से। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार किया करें, काफी विद्यार्थी तो कल रिजल्ट आ गया फर्स्ट ईयर का और कल ही सवाल आ गया था सेकेंडरी फॉर्म कब भरे जाएंगे, अरे यार थोड़ा इंतजार तो करो यार, थोड़ा सा आने तो दो, यूनिवर्सिटी में नहीं सोचा तो चीजें, काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मैं सेकंड ईयर में नॉन से रेगुलर होना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ने अभी तक बनाया नहीं नियम इस चीज को कि इस सेमेस्टर में हम कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत सी समस्याएं हैं, जब यूनिवर्सिटी बताएगी तो ही मैं बताऊंगा, पिछले वाले रूल्स पे तो चल ही नहीं रही यूनिवर्सिटी ईयरली वाले पे, तो सेमेस्टर के तो रूल्स ही अलग हैं सारे, तो इसलिए पिछले वाले वीडियो को आप देख के कंफ्यूज मत हुआ करें, वो एनुअल के हिसाब से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें मैंने कर ली, यहां पर रिवेल से रिलेटेड नॉन का भी रिवेल का फॉर्म आएगा भैया और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, आप समझ लेते हैं मार्कशीट, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, जिसमें बैक पास सारे चीजें आएंगी। ये देखो भैया, जिसके रिजल्ट में नोट प्रमोटेड बैक प्रमोटेड ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे खाली है एनरोलमेंट एबीसीआईडी, उसको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में समझा दिया। एक मार्कशीट है नोट प्रमोटेड से रिलेटेड, अभी नोट प्रमोटेड क्यों है मैंने कल भी वाले वीडियो में भी बताया था कि इसका कोर क्रेडिट जो होता है मेन सब्जेक्ट वाला, जैसे मेजर जो सब्जेक्ट है इसके, वो इसके बैक है भैया, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बैक चल रहे हैं, इस टोटल क्रेडिट इसका देखो, एक सेकंड, हाँ इसका देखते हैं भैया,
यह जो टोटल क्रेडिट है, एक तरीके से कहूं यहां तो 26 होना चाहिए, 26 आ रहा है, लेकिन इसका साथ में सब्जेक्ट वाला क्रेडिट है वह नहीं आ रहा है, 18 आना चाहिए तो वो नहीं आ रहा है। इसको लेकर अलग से वीडियो मैंने कल डाला है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि नोट प्रमोटेड मतलब फेल होता है, आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करनी पड़ेगी, फॉर्म जब आएंगे तब सूचना मिल जाएगी, ठीक है, आने वाले समय में। अभी आज ही तो फॉर्म नहीं आ रहा, अभी समय लगेगा, नवंबर के आसपास फॉर्म आएगा, लेट आ सकता है फॉर्म, इंतजार करेंगे भी, है ना। बात करें यहां पर वही चीज समस्या जिसके एनरोलमेंट एबीसीआईडी की समस्या, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, नॉन कॉलेज है यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, माइग्रेशन का इशू होगा, ठीक है, अगर आरबीएससी था 12 तो 10 टू 12 की मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बात करें यहां पर बैक प्रमोटेड क्यों है भैया, क्योंकि इसके पेपर बैक है, देखो एक रहा स्टार, एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा, एक स्टार, चार पेपर बैक है भैया इसके, जो भी है विद्यार्थी है इसके, देखो एनरोलमेंट एबीसीआईडी सही था, इस वजह से रिजल्ट आ गया। दूसरा बात करें इसके 26, एक तो क्राइटेरिया क्या है कि टोटल क्रेडिट 26 होना चाहिए, 26 भी आ रहा है भैया, और दूसरी बात इसमें क्या करते हैं कि आपका जो कोर क्रेडिट है वह 36 का आधा होना चाहिए, 18 होना चाहिए, तो 18 में से 14 तो इसके यहां पर आए हुए फर्स्ट सेमेस्टर में, और 18 में से 14 यहां पर आए हुए, तो ये कितने हो गए 28 हो रहे हैं, चाहिए कितने थे 18, कम से कम 18 होने चाहिए थे, तो वो यहां पर आ चुके हैं, इस वजह से इसको बैक प्रमोटेड किया है। जो बैक पेपर है उसका अंदाजा आपको यहां से लगेगा, स्टार 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 स्टार। अब देखो ज्योग्राफी का पेपर है, नॉन कॉलेज रेगुलर वाले विद्यार्थियों का 32 नंबर का पासिंग मार्क्स चाहिए, इसको 6 नंबर चाहिए, इसको लगता है कि मैंने यार ज्यादा नंबर का किया था, तो भैया लेवल लगा देना, 6 नंबर अगर बढ़े तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बात करें आगे, ये वही प्रॉब्लम है, अच्छी मार्कशीट भी देखी, एक ये वही प्रॉब्लम है, कुछ नहीं लिखा रहा, इसके 10 क्रेडिट है, इसका तो मैं लिख देता हूं भैया नोट प्रमोटेड, क्योंकि यहां पर अगर 26 आएगा ना तो भी आपके चांस बनेंगे, लेकिन वहां पर कोर क्रेडिट जो रहता है मैन, उसमें आपके यहां पर आना चाहिए भैया 18, 36 का आधा आना चाहिए 18, ये तो हो गया कोर क्रेडिट में, और इसका टोटल क्रेडिट होता है उसमें 52 में से 26 आना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो इस पास बैक वाले से, ये 16 है भैया इसका नोट प्रमोटेड, इसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूं नोट प्रमोटेड, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि भैया जिसका 26 आ रहा है उसका कैसे लिखेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये देखो इसका स्टार है भैया बैक प्रमोटेड, एक बैक है इस विद्यार्थी का, ये किसका है नॉन कॉलेज विद्यार्थी है कोई, बैक प्रमोटेड आया, क्यों बैक क्यों आया, इसके 26 से ज्यादा तो क्रेडिट आ गए, तो ये तो कन्फर्म है कि ये बैक में आ गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था, दो कंडीशन है, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन पर बात हो जाए, यहाँ पर 18 और 12 कितने आ रहे हैं 36 में से, यहाँ पर 30 क्रेडिट आ रहे हैं, दोनों कंडीशन इसके अप्लाई हो रही है, पेपर बैक है इसलिए इसको साल बच गया, ठीक है। एक बात यहाँ पे कर लो भैया, बैक प्रमोटेड लिखा है यानी साल तो बच गई, सेकेंड ईयर में तो चला गया बैक पेपर के साथ में, बैक कौन सा है भैया, ये 51 वाला है, देखो भैया 51 है, 60 पास के लिए कितना चाहिए 60, ठीक है। नॉन कॉलेज है, 150 का पेपर होता है, उसका 40% 60 हो गया, ठीक है, 60 नंबर आ नहीं रहे, 9 नंबर इसको चाहिए, तो इसको रिवेल लगाएगा तो भैया 9 नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे, ठीक। बात करें 52 में से 26 क्रेडिट आना चाहिए, एक कंडीशन तो ये रही, दूसरा बात करें 36 में से 18 क्रेडिट आना चाहिए, तो 12 18 30 आ गए, तो 36 में से 30 आ रहे हैं भैया, ये दोनों कंडीशन पास हो रही है इसकी, इसलिए बैक आ गया, जो बैक उसका पता यहां से लगाएंगे, ठीक है। 26 से 52 के बीच में आ रहा हो और साथ में कोर क्रेडिट हो तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन टोटल क्रेडिट 26 से नीचे है तो फेल होंगे आप, नोट प्रमोटेड लिखाएगा। चलो भैया एक मार्कशीट और देखते हैं, बैक प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड का रूल क्या है, मैंने आपको क्या बताया 26 आना चाहिए, ठीक है, 52 में से 26 तो कम से कम आना चाहिए। दूसरा बात करें उसका, यहाँ पे 36 में से 30 आ रहे हैं, तो यहां पर बैक प्रमोटेड, जो बैक है वो यहां से पता लगा लो, स्टार लगा हुआ है, ठीक। बात करते हैं, ये तो भाई साहब एबसेंट ही है, दो पेपर ये रहे, तीन पेपर ये रहे, चार पेपर ये रहे, एबसेंट चल रहे हैं, ये पांच पेपरों में एबसेंट थे भैया, नोट प्रमोटेड आ गए भैया, कारण क्या रहा, एक तो 26 क्रेडिट नहीं हुआ भैया इसलिए नोट प्रमोटेड, दूसरा कारण यहां पर इसका 50% नहीं हुआ, इसके तो 6 ही क्रेडिट आ रहे हैं 36 में से, इसलिए ये हो गए नोट प्रमोटेड यानी फेल। चलो भैया एक और बात करते हैं, ये विद्यार्थी नोट प्रमोटेड है, इसके लिए टोटल इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन 26 नहीं हो रहा, तो भैया नोट प्रमोटेड तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा बात करें इसके 50 आ रहे हैं, ये बैक प्रमोटेड आएगा भैया, यानी 26 से तो ज्यादा होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये है, और कोर क्रेडिट वाला जो सिस्टम है वह भी होना चाहिए, इसमें कोर क्रेडिट का पता नहीं चल रहा, तो ये मैंने बताया भैया आपके एनरोलमेंट नंबर का इश्यू है, ये यूनिवर्सिटी जाके ही सोल्व होगा, ठीक है। बात करें ये विद्यार्थी नॉन कॉलेज का प्रमोटेड आ गया, पास प्रमोटेड, 52 चाहिए थे 52 आ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, कोई बैक नहीं है, कहीं कोई स्टार देखने को नहीं मिल रहा भैया, अच्छे बढ़िया नंबर आ रहे हैं सब में, पासिंग मार्क्स पास हो गया भैया, बधाई हो इनको, ठीक है। बात करें बैक प्रमोटेड, क्योंकि 52 में से 26 से ज्यादा है, कोर क्रेडिट इसका ये रहा, देखो भैया कितना चाहिए 18 चाहिए, 36 में से 12 और 12 24 आ रहा है दोनों सेमेस्टर का मिला के, और साथ में 26 से ऊपर है, बैक प्रमोटेड, साल बच गया इसका, ठीक है। रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों की मार्कशीट आ रही है मिक्स में, और रिजल्ट दोनों का एक साथ मार्कशीट का बना है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है,
ये रेगुलर की मार्कशीट भी है, बैक प्रमोटेड यानी साल तो बच गई। 52 में से कितने आ गए, 46 क्रेडिट आ रहे हैं, चाहिए कितने थे 52 में से 26। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये रहा। दूसरा कंडीशन क्या था, कोर क्रेडिट वाले जो सब्जेक्ट है उसमें 18 और 12 30 आ रहे हैं, चाहिए कितने 18 18, 36 में से कितने चाहिए थे 18 चाहिए थे, इसके तो 30 आ रहे हैं भाई साहब। कंडीशन एक भी अप्लाई होगी, दूसरी भी अप्लाई होगी और जो बैक है उसका पता चल जाएगा, सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं बस इसके, वो आपको जल्दी अपडेट देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, इसलिए बैकअप प्रमोटेड है, दोनों कंडीशन इसके अप्लाई यहाँ पर हो रही है। चलो भैया और देख लेते हैं, पास प्रमोटेड 52 का 52 क्रेडिट आ गया, पास है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का 26 क्रेडिट होता है, 26 आ गए, सेकंड का 26 होता है, 26 आ गए, कोर क्रेडिट का फर्स्ट सेमेस्टर 18 का 18 होता है, 18 आ गए भैया, 18 18 आ गए, पास हो गया भैया। ठीक है भैया, दूसरी बात करते हैं, पास प्रमोटेड, चलो भैया यहाँ पे आ गए, 52 क्रेडिट आ रहा है भैया, कोई स्टार नहीं लग रहा है भैया, पास है भैया। ठीक है, बात करें यहाँ पर नोट प्रमोटेड, देख लेना भैया अच्छे तरीके से, 28 आ रहा है 52 में से, अब ये कहाँ आसपास है। अब देखो ये वाली मार्कशीट है समझने की, नोट प्रमोटेड यानी फेल, अब इसकी पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि इसके 26 से ज्यादा है, लेकिन दूसरी कंडीशन इसकी पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें एक 18 है, फर्स्ट सेमेस्टर इसमें दो ही क्रेडिट आया, सेकंड सेमेस्टर में 12 ही आ रहा है, कितना हो गया 14, जबकि चाहिए कितना 18, दोनों सेमेस्टर के मिला के कोर क्रेडिट 18 होना चाहिए, ये ध्यान रखें। दो कंडीशन है, एक तो 40% आप एक कहूं कि भाई पेपर में जिसमें पास नहीं है 40% नंबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बैक वगैरह चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट है टोटल क्रेडिट की बात करें, ये क्या रूल है, 50% आना चाहिए, 52 होता है टोटल दोनों सेमेस्टर का मिला के, 26 आना चाहिए था, नहीं है 26 आ गया भैया, एक कंडीशन पूरी, लेकिन दूसरी कंडीशन इसकी पूरी नहीं हो रही, इसलिए फेल हो गया। दोनों कंडीशन पूरी हो जाती फिर चाहे बैक रह जाते दो तीन, कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहता। ठीक है, लेकिन इसलिए नोट प्रमोटेड इसका लिखा है। चलो भैया एक मार्कशीट और देखते हैं, नोट प्रमोटेड, ये देखो भैया 52 में से 26 आ गया, एक कंडीशन पूरी, चांस बन गए पास होने के, लेकिन भाई साहब की गलती क्या हो गई कि कोर क्रेडिट यानी जो मेन सब्जेक्ट है आपके, मेजर मेजर सब्जेक्ट है, उसमें इसके पेपर बैक है, 32 वाला बैक है, 53 वाला बैक है, 56 वाला बैक है, 41 वाला बैक है। अब इसको पास का मैं एक चीज बता देता हूं भैया, ये बीकॉम की मार्कशीट है, ये इसके 53 वाला 56 वाले में रिवेल लगाओ, चांस बन रहे हैं इसके पास होने के। अगर ये इसके 56 वाले में 4 नंबर और जुड़ गए 60 नंबर आ जाएगा, 150 का 40% 60 नंबर होता है भैया, 60 नंबर आते हैं इसको 6 क्रेडिट मिल जाएगा, 6 क्रेडिट मिलते कितना हो जाएगा, 6 6 और ये 6 इसमें जुड़ गए, 36 का आधा हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 26 के पहले हैं, 18 क्रेडिट यहाँ पे हो गए, ये हो गया, फिर इसका आ जाएगा बैक प्रमोटेड। ठीक है भाई, ये जिसकी भी मार्कशीट है समझ लेना भैया, कोई विद्यार्थी अगर देख रहा हो नहीं हो रहा तो इस हिसाब से समझना। चलो आगे चलते हैं, कोई मार्कशीट और हो तो, नोट प्रमोटेड भैया 30 क्रेडिट आ गया, पहला कंडीशन पूरा हो गया, लेकिन दूसरे कंडीशन में भाई साहब फंस गए, 8 और 6 14 ही क्रेडिट हो रहा है, 18 चाहिए बैक प्रमोटेड आने के लिए भी, ये देखो 0 0 0 20 10 ये रहे, बैक है पेपर, इसका तो पास भी अब चांस नहीं लग रहा, रिवेल में भी नहीं बढ़ पाएंगे इतने नंबर तो। ठीक है भाई, दूसरा बात करें, पास प्रमोटेड, पास है भाई, 52 में से 52 आ रहे हैं, 18 में से 18 आ रहे हैं, सारा काम सही हो रहा है, पास। चलो भैया पास प्रमोटेड, 52 में से 52 आ रहे हैं, पास है भैया। नोट प्रमोटेड, 52 में से 26 आ रहे हैं, पहली कंडीशन ओके, लेकिन सेकंड कंडीशन में रह गए भाई साहब, 18 18 कितने 36 36 का आधा कितना होता है 50% कोर क्रेडिट वाला, तो भैया 18 आने चाहिए था, इसके कितने आ रहे 6 और 6 12 ही आ रहे हैं। अब देखो एक चीज बताता हूँ इसमें, ये तो भाई साहब पास हो, इनके साल बच सकती है भैया, 55 नंबर आ रहे हैं, कितने चाहिए 60, 5 नंबर इसको चाहिए 53, 7 नंबर चाहिए 57, 3 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर ये रिवेल यहां पर लगाता है, इसके एक में भी बढ़ गए तो इसको 6 क्रेडिट मिलेगा इसका मैन पेपर का, और वो 18 में जुड़ जाएगा यहाँ पे, यानी 6 और 6 12 तो पहले आ रहे हैं, 6 जुड़ गया, 18 आते ही ये पास, यहाँ से भी 26 इसका रहा, इसका बैक प्रमोटेड के साथ साल बच जाएगी। ये रिवेल वाला वीडियो अलग से बनाऊंगा तब इस ऐसी मार्कशीट में समझा दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये देखो भैया इसके नोट प्रमोटेड लिखाएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो, 26 से नीचे है तो वैसे ही नोट प्रमोटेड है, फेल हो गया भैया। रिजल्ट बाकी यूनिवर्सिटी जाके आप चेक कर लेंगे बाकी को ना, ये बातें हो गई। रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे भैया मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देख लेंगे, जो सवाल आए हुए हैं उनको थोड़ा सा रिप्लाई मिलने में देरी मिलेगा, इंस्टाग्राम पर जितने भी सवाल है, और लंबा वीडियो यहाँ पर मैंने बना दिया, अब आराम से आप देख लेना, जितने सारे सवाल थे मार्कशीट में समझा दिए, और फिर कोई अब सवाल करेगा ना तो फिर उसको मैं इस वीडियो का लिंक ही भेजूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से समझाया, सारी चीज समझा दी है, आप जितने वीडियो देखा करें भाई, पास फॉल बैक सभी का मैंने रिजल्ट आपको समझा दिया, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड
अब रिवेल का फोरम जब आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा बात करूं कि भाई आने वाले समय की क्या प्रोसेस रहेंगी, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं सेकेंड ईयर के फोरम वगैरह ये सब समय लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करें, अभी थोड़ी होली दिवाली का टाइम आ रहा है ना, थोड़ा सा ये क्या करेंगे दशहरा वशहरा मनाते हैं फिर उसके बाद में सोचते हैं बाकी चीजों पर क्या होगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तब सारी कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक सवाल बच गया, उस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं अगले वीडियो में, ठीक है। क्या आएगा, एक तो रिवेल वाला, रिवेल का क्या पोर्टल रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, तो जब नोटिस आएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे रिवेल से रिलेटेड। रिवेल तो लगेगा, ठीक है, अब डेट्स नहीं आई है कब लगेगा, तो उसके बारे में जब वीडियो नोटिस आएगा तब आपको बता दूंगा, पहली बात। दूसरा बात करें, एक सवाल आ रहा है कि परसेंटेज से रिलेटेड, उसका भी फॉर्मूला वगैरह होते हैं सेमेस्टर में, ये ग्रेड पॉइंट वगैरह इसका गुणा उणा करके, देखो भैया इसको भी मैं आपको अच्छे से डिटेल से बहुत अच्छे समझाऊंगा ताकि मुझे निकाल के आपको बतानी ना पड़े, है ना, बार बार में हर मार्कशीट के एक वीडियो बना दूंगा, फिर अपनी अपनी मार्कशीट परसेंटेज निकालते रहना भाई, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो जितने भी सवाल थे सारे समझा दिए हैं, आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।